नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। जो लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक की जो कि पिछले 1 साल से इन्वेस्टर को काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है, जिसने इन्वेस्टर को काफ़ी लॉस भी दिया है। तो इस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, इसमें आपको काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस कंपनी के बारे में। और हम इसमें बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, इस कंपनी में बने रहना चाहिए, कौन सा टारगेट आप आने वाले समय में 1 से 2 क्वार्टर में आपको मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इस स्टॉक को हम डिस्क्लोज़ करने वाले हैं, तो यह हम बात करने वाले हैं यूपीएल लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके आज के ट्रेडिंग सेशन के एक्शन देखेंगे कि इसमें कैसा रहा। तो यूपीएल लिमिटेड की बात करेंगे तो ये आपको आज के दिन 539 रुपये पर क्लोज़ होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम आज के दिन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिली है 1 डे की। और अगर हम इसके ओपनिंग की बात करेंगे तो ये आपको 529 पर ओपन होता हुआ दिखाई दिया था। हाई इसने 545 का लगाया, लो इसने 527 का लगाया है। और अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 52 वीक हाई आपको यहाँ पे 698.90 रुपये का देखने को मिला है। और 52 वीक लो की बात करेंगे तो ये आपको 447 का देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके 5 डे ट्रेडिंग की बात करेंगे तो 5 डे में आपको यहाँ पे इस जगह पर आपको लगभग 480 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया है। 4 जून को लगाया था, जो इसने जहाँ पे पैनिक की सिचुएशन आई थी शेयर मार्केट में, उस दिन आपको 480 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया था यूपीएल। तो यहाँ पे आज हम इस स्टॉक को क्यों कवर कर रहे हैं, तो इस स्टॉक की बात करेंगे। ये तो काफ़ी समय के बाद आपको ये स्टॉक लगभग अपने जो कि मेजर रेजिस्टेंस था आप अपना 534, इसके ऊपर ये आपको क्लोजिंग दे चुका है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ से फ्रेश तेजी के लिए यूपीएल अब पूरी तरह से तैयार है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ अपडेट्स देखेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल पर जानेंगे और कौन सा टारगेट निकल कर आया रहा, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना, कहाँ पे बाई करना, यह सब इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ बने रहिए। तो यहाँ पे कुछ एनालिस्ट की तरफ से यूपीएल में आपको यहाँ से 6 से 7% का यहाँ पे आपको सामने निकल कर आ रहा है कि आपको आने वाले टाइम में ये आपको तेजी दिखाने के लिए तैयार है यूपीएल का शेयर। तो ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इसका लगभग आपको 120 कंट्रीज़ में इसका कारोबार देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे इसका डाउनफॉल क्यों आया था, क्योंकि इसने अपने 3rd क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी 600 से 700 करोड़ के लॉस में चली गई थी, जो कि इसने 4th क्वार्टर में इस लॉस को कवर करते हुए प्रॉफिट में आ चुकी है ये कंपनी। और अब यहाँ से आपको केमिकल सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पे अभी अब यूएस में भी सभी जो कि रेट कट वगैरह आपको होने की संभावना आने वाले 1 क्वार्टर में आपको देख सकती है सितंबर के आसपास। और तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तेज़ी इस केमिकल सेक्टर और आईटी सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अब हम इसके चलते हैं आर्टिकल पर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके आर्टिकल जिसमें आपको 6 से 7% का अपसाइड पोटेंशियल इसी क्वार्टर में 1st क्वार्टर के रिजल्ट से पहले पहले आपको देखने को मिलेगा, रिलायंस में, मुथूट इंडसेंड बैंक में, मुथूट फाइनेंस में एंड यूपीएल में। अब हम यूपीएल के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो यूपीएल के टेक्निकल चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इसी लेवल पर आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम इसके सपोर्ट की बात करेंगे तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार आपको 490 के आसपास इसका टेक्निकल सपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है, जो कि आपका मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिसको यूपीएल आपको जिस दिन आपको यूपीएल में कोई खराबी होगी या कोई पैनिक वाली सिचुएशन आएगी तो यूपीएल आपको 490 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग देगा उस दिन आपको एग्जिट कर देना है यूपीएल में। और यहाँ पे आप फ्रेश बाई कहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे इसका 535.90, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट है यहाँ पे 534 के आ जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर आज यूपीएल ने आपको क्लोजिंग दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको फ्रेश टारगेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे 580 के।
तो यहाँ पे आपको यूपीएल इसी क्वार्टर के एंड तक आपको 580 तक के आपको टारगेट हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फर्स्ट टारगेट इसका 580 का रहने वाला है, और अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे रहने वाला है 617 रुपये का। तो 617 रुपये के सेकंड टारगेट है, जो कि इसके काफ़ी बड़े टारगेट है। और जो इसी दो क्वार्टर में अगर बात करेंगे तो ये आपको 640, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 640 तक के टारगेट आपको हिट करता हुआ यूपीएल आपको देखने को मिलेगा कुछ इसी मंथ या इसी क्वार्टर के अंदर आपको। और अगर हम इसके स्पोर्ट की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा 520 का पहला स्पोर्ट है और 490 का आपको दूसरा स्पोर्ट है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 490 यदि आपको फ्रेश बाई करनी है तो 490 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पे बाई करके चले, और यहां से बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी करें, और यहां से आपको इमीडिएटली यहां से 580 के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे यूपीएल के अंदर अभी कुछ आने वाले दिनों में। तो यहां पे अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ से आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हैं, उस सभी का हम टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए लेकर आते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल और हमारा वीडियो बढ़िया लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके और अपने जो वेल्थ है वो उसको जनरेट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।